मैं विजिट कर रही हूँ कोई डॉक्टर को इन कैनेडा इन टोरंटो। सो गाइस हम पहुंच गए हैं प्रिमेसी वॉकिंग क्लिनिक लैंसडाउन। तो सारे पेशेंट्स जो हमारे पहले थे वो जा चुके हैं। मेरे को ना थोड़ा डर लग रहा था कि यहाँ पर कैसे होगा, और जो क्लिनिक के टाइमिंग होते हैं ना हर क्लिनिक के अलग अलग होते हैं, सो यू हैव टू चेक इन। यहाँ पर पूरा रैक है जहाँ पर लेज के चिप्स मिल रहे हैं, कनाडा की सबसे फेमस चीज जो बोली जाती है। कैमल मिल्क क्यों? उसकी चाय बना के पियो। Hi guys, welcome back to my channel Science Stories. I hope इतने दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, भूल ही गई हूँ। सो आई होप आप सब ठीक हो अपने अपने घरों में। और टोरंटो का हाल चाहिए तो मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर अभी तक दिसंबर आ गया है, मेरा बर्थडे आने वाला है। और पिछले बार मेरे बर्थडे के इतनी स्नोफॉल हो रही थी यहाँ पे, लेकिन अभी कोई स्नोफॉल का नामो निशान नहीं है। देखो मेरे पीछे ये बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं हुई अभी टोरंटो में, सब हैरान है। तो अभी यू नो 10-15 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, अभी आई एम फीलिंग मच बेटर। बट पुनीत और मैं जा रहे हैं आज, हमने वॉकिंग क्लिनिक में जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट तो नहीं ली है क्योंकि वॉक इन जा रहे हैं हम लोग, सो वी आर गोइंग टू अ क्लिनिक सो दैट हम अपना फुल बॉडी टेस्ट करा सकें। तो बस अभी एंटर करने वाले हैं, सो देखते हैं कैसा जाता है मेरा एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम मैं विजिट कर रही हूँ कोई डॉक्टर को इन कैनेडा इन टोरंटो। लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, हिसाब किताब इंडिया जैसे ही होता है या डिफरेंट होता है। तो अभी चलते हैं। नो फ्रिल्स के अंदर है कि तो नो फ्रिल्स आ गया। अच्छा ये रहा। सो गाइस हम पहुँच गए हैं प्रिमेसी वॉक इन क्लिनिक लैंसडाउन डंडास। Let's go. अंदर आते ही गाइज आई सॉ कुछ अप्रॉक्सीमेटली 15 लोग ऑलरेडी वेट कर रहे थे। एंड हम आए, हम रिसेप्शन पे गए एंड देन वी वर गिवन अ फॉर्म जो हमें फिल करके देना था। एंड उसके बाद हमने अपना हेल्थ कार्ड दिखाया और मुझे उसके बाद हमें वेट करने को बोला गया। सो वी वर वेटिंग हियर, ऐसी बातें कर रहे थे बैठ के। और पुनीत बाबा मुझे बोल रहा था देखो ना डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, ये करेगा वो करेगा। मेरे को वैसे ही डर लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर्स के पास जाने के लिए। आई जनरली अवॉइड, मैं होम रेमेडीज़ कर लेती हूँ या कोई मेडिसिन ले लेती हूँ घर पर ही, बट मेरे को बहुत डर लगता है। सो अब बैठ के वेट कर रहे थे, लेट्स सी कब नंबर आता है हमारा। तो सारे पेशेंट्स जो हमारे पहले थे वो जा चुके हैं, अब हमारा नंबर है नेक्स्ट। सो आई एम जस्ट वेटिंग टू गो। मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। ए व्हाट आर यू डूइंग? डरी भी नहीं। हेलो हाय, या इट्स शी इज मम्मी, शी इज क्रेजी। सो गाइस हम अंदर, हमें भेज दिया गया एक रूम में। यहाँ पे अब हम दोनों वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। तो वैसे तो आप अकेले अकेले आते हो, बट क्योंकि हम साथ में थे हस्बैंड वाइफ तो हमें साथ में भेज दिया इस रूम में। वी वेटिंग फॉर डॉक्टर। और जितना टाइम वेटिंग का बढ़ रहा है उतना स्ट्रेस बढ़ा है थे अब आने वाले डॉक्टर, क्योंकि दो पेशेंट्स गए हैं। लेट्स सी गाइस, कनाडा में तो फर्स्ट टाइम है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो हम लोग डॉक्टर के पास से आ गए हैं। टोटल टाइम मैं आपको बता दूँ, हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा। 1 घंटा 10-15 मिनट हमने वेट करा, उसके बाद जाके डॉक्टर आए और उन्होंने पूरा चेक वेक कर लिया। 15 मिनट में मतलब हमारी पूरी चेक हो गया, जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट कर दी उन्होंने। हम अभी ना ग्रोसरी स्टोर में आए, बिल्कुल साथ में नो फ्रिज था, पुनीत इज बाइंग सम ग्रोसरीज। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ कि हेल्थ वाइज एवरीथिंग इज़ गुड, हमें सिर्फ फुल बॉडी टेस्ट कराना है। उसके लिए उन्होंने हमें ब्लड टेस्ट लिख के दे दिए। तो हमें यहाँ पर एक लैब है, हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा एंड लैब में जाकर हमारा ब्लड टेस्ट फुल बॉडी टेस्ट होगा। एंड देन वो डायरेक्टली वहाँ से रिपोर्ट जो भी आएगी वो डॉक्टर को भेज देंगे यहाँ पे। एंड देन हमें डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा और डॉक्टर फिर हमें मतलब बता देगा कि रिपोर्ट ठीक आई है, क्या डिफिशेंसी है, क्या कमी है, ठीक नहीं है, जो भी है। और यहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ पर ना रिपोर्ट दिखाते नहीं है जनरली, ब्रेड सेक्शन आ गया है। तो यहाँ पर ना रिपोर्ट्स डॉक्टर आपको दिखाता नहीं, वो आपको सिर्फ बता देगा कि डेफिशिएंसी है या नहीं है या क्या डेफिशिएंसी है। और वो भी हमारा जो टेस्ट होगा वो भी फ्री में होगा, क्योंकि हेल्थ कार्ड बना हुआ है हमारे पास तो वो भी फ्री है। वो टेस्ट हम कराएंगे, उसके बाद जाके हमें पता चलेगा जो भी डेफिशिएंसी या जो होगा उसके अकॉर्डिंगली कुछ करना होगा। उसके बाद दवाइयाँ देंगे वो हमें, तो वो होगा सब कुछ फ्री होगा, कहीं भी हमें पैसे नहीं खर्चने हैं। सिर्फ यहाँ पे अगर आपको डेंटिस्ट के पास जाना है तो आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो आपकी इंश्योरेंस है अगर, जैसे जनरली यहाँ पर
ऑफिसेज में भी इंश्योरेंस मिलती है, जैसे क्योंकि मेरे को तो नहीं मिली क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, मेकअप फुल टाइम नहीं है मेरा, तो मेरे को अपने वर्क प्लेस में इंश्योरेंस नहीं मिला हुआ है मेडिकल वाला, बट पुनीत को अपने ऑफिस से मिला हुआ है, उसके लिए भी और मेरे लिए भी, स्पाउस का भी मिलता है, सो हमारा कवर्ड है इंश्योरेंस, तो इनकेस हमें फ्यूचर में कुछ मेजर इश्यूज होते हैं तो हम वो इंश्योरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी बस आपको अपना, जब भी आप कनाडा आओ तो अपना हेल्थ कार्ड बनवा लो, सर्विस ऑन्टारियो जाके हेल्थ कार्ड बना लो, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्या है, एंड ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होता। सो गाइज ओवरऑल जैसे मेरे को ना थोड़ा डर लग रहा था कि यहाँ पर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो अच्छा था, डॉक्टर वॉज ऑल्सो क्वाइट नाइस, अच्छे से उन्होंने सारे हमारे जो भी डाउट्स थे क्वेश्चंस थे इश्यूज थे हमें वो सब अच्छे से समझाए हम। आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस वॉज पॉजिटिव। बाकी जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगी। अभी हम आए ग्रोसरी स्टोर में ग्रोसरी शॉपिंग करने, ये है नोट्रल्स, तो थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग आप भी कर लो मेरे साथ, चलो। ग्रोसरी शॉपिंग कैनेडा में करने का मज़ा गाइज हर टाइम अलग ही होता है, क्योंकि इतना बड़ा स्टोर होता है, आराम से अपना आओ जो जो चीज़ें लेनी है उसके अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे जूसेस का सेक्शंस है, और यहाँ पे जो ये ट्रॉपिकाना के जूसेस होते हैं ना बहुत बढ़िया होते हैं, नहीं तो आप प्रेसिडेंट चॉइस का भी ले सकते हो जो उनका प्राइवेट लेबल ब्रांड है, सारे जूसेस हैं यहाँ पे। तो मेरे को अभी यहाँ पे पुलिस ने दिखाया कि ये गोल्ड मिल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इंडिया में बोल रहा है कि नहीं मिलता यार ऐसे। कितने का है यहाँ पे? 479 का है यहाँ पे, 4 लीटर का पैक है गोट मिल्क का। गाइज एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये यहाँ पर पूरा रैक है जहाँ पर लेज के चिप्स मिल रहे हैं, सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे, और कैनेडियन ना लेज का केचप फ्लेवर बहुत प्रेफर करते हैं, मतलब दिस इज़ लाइक हॉट सेलिंग हेयर इन कैनेडा, केचप बहुत फेमस है। मैंने एक बार ट्राई करा था तो मुझे ओके ओके लगा, बिल्कुल डिट्टो जैसे केचप का फ्लेवर होता है ना वैसे ही टेस्ट होता है इन चिप्स का, बट आई रियली मिस जो इंडिया में लेज हम खाते हैं ना मसाले वाले, वो यहाँ पर कहीं कहीं जगह मिलते तो हैं तो यहाँ पर, बट ये उतने अच्छे नहीं होते, तो मैं ले तो लेती हूँ क्योंकि भाई अब कोई बात नहीं कुछ तो टेस्ट आ ही जाता है। लेट मी टेक दिस। और पुनीत पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा है, कभी पिज्ज़ा का डब्बा अंदर रख रहा है कभी खरीद रहा है, अब इसको कोई और ब्रांड दिख गया लगता है। मेपल सिरप कैनेडा की सबसे फेमस चीज़ जो बोली जाती है, जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी है क्योंकि मेरे को मीठा इतना खाना पसंद नहीं है, तो ये यहाँ पर मेपल सिरप मिल रही है $10.99 की। ओ ये देखो गाइज मुझे यहाँ पर पंजाबी समोसा दिखा सूरज ब्रांड का, $5 की, 460 ग्राम है, 6 समोसे हैं, करने ट्राई ये खाए हुए तुमने ये? यार फोटो देखकर तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, बट फ्रोजन वाले इससे पहले हमने पता नहीं कौन से ब्रांड के ट्राई कर रहे थे, वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, जो स्टफिंग होती है ना वो अच्छी नहीं होती है। हाँ बट आप ये ट्राई कर सकते हो, नानक ब्रांड का आलू टिक्की बहुत यम्मी है, ये है $7.99 की, और इसमें भी 8 पीसेज आई थिंक होते हैं कुछ, और ये बहुत बहुत टेस्टी होती है, मैंने खाई हुई है ये घर पे, बिल्कुल जैसे हमारी देसी टिक्की नहीं होती जो हमें वहाँ पर मिलती है चाट वालों के पास मिलती है ना टिक्की अंदर स्टफिंग वाली, वैसे होती है, उसको अच्छे से आप मतलब अवन में भी कुक कर सकते हो, मैं तो पैन में कर लेती हूँ, उसको दबा के अच्छे से ऊपर चटनी वटनी डालो मस्त आता है, तो नानक ब्रांड की ज़रूर ट्राई करना, टिक्की बहुत यम्मी होती है। शॉपिंग हो गई है डन, बिलिंग करा देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर होती है बिलिंग, तो ये रहा स्टोर। कैमल मिल्क क्यों? इसकी चाय बना के पियो, देखते हैं। कैमल मिल्क क्यों लिया? इसको टेस्ट अलग होगा यार कुछ। कहाँ है लिखा हुआ? नहीं है यार। कुछ भी बोलता गाइस, ये लड़का ना मुझे बस तब से डराया हुआ इसने मुझे आज। अभी मैं स्ट्रीट कार की वेट कर रही हूँ, पुनीत तो घर चला गया है, मुझे यहाँ से डाउनटाउन जाना है, मुझे आई एम मीटिंग समबडी ओवर देयर, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, देखो मेरा स्ट्रीट कार, और बारिश इतनी हो रही है ना कि टोरंटो टोरंटो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है बीसी बन गया टोरंटो, वैंकूवर में हूँ ऐसा लग रहा है, इतनी बारिश हो रही है, और स्नोफॉल का नाम निशान नहीं है। बट आई होप मैंने अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन थी आई ट्राई टू गिव इट टू यू ऑल, और जो क्लिनिक के टाइमिंग होते हैं ना हर क्लिनिक के अलग अलग होते हैं, सो यू हैव टू चेक एंड गो, एंड आई वुड रिकमेंड एक और चीज़ कि आप जब भी जा रहे हो ना एक बार कॉल कर लो वहाँ पे, सो दैट आपको पता चल जाए, जैसे हमने कॉल करके पूछा था कि कितनी वेटिंग है, कितने लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, कितने बजे बंद होगा, एंड इज़ इट अ गुड टाइम टू कम, या हमें कल या परसों किसी और दिन आना चाहिए अगर आज बहुत सारे उनके पास पेशेंट्स हैं,
तो हमने कॉल करा था तो उसने बोला था कि कुछ ऑलरेडी 14 लोग हैं उस टाइम और 5 बजे बंद हो जाएगा क्लिनिक. और हमारे पहुंचने के आई थिंक 15-20 मिनट के बाद उसने वो एक पैम्फलेट लगा दिया वहाँ पे कि बुकिंग क्लोज, दे वोंट बी टेकिंग एनी मोर पेशेंट्स फॉर टुडे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स हो गए थे. और हमें 1 घंटा वेट करने के बाद हमारे नंबर आया. अभी तक हमें फैमिली डॉक्टर नहीं मिला गाइस, हमें 1.5 साल ऑलमोस्ट हो गए कैनेडा में. हमें हम ट्राई कर रहे हैं, हमारा लिस्ट में नाम है, हमें अब तक कोई कॉल नहीं आया फैमिली डॉक्टर के लिए. आई होप आपकी वीडियो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद मतलब वीडियो बनाई है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी. मैं गायब नहीं हुई हूँ, मैं वीडियोस कंटिन्यू करने वाली हूँ. तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.